पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर भाजपाई नेताओं से एकजुट होने की अपील की है। सीएम ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। सीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बीजेपी पर सभी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ममता ने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार प्रतिशोध की राजनीति के तहत सीबीआई, ईडी, आईबी, इनकम टैक्स समेत तमाम एजेंसियों का अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। ममता ने साथ ही सभी विपक्षी दलों से बीजेपी के इस दमनकारी शासन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से एक बैठक का भी आग्रह किया है ताकि आगे के रास्ते और रणनीति पर विचार किया जा सके। फिलहाल वीरभूम हिंसा के चलते बंगाल में सियासी विवाद छिड़ा हुआ है, जिसके चलते ममता सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। ममता बनर्जी से 27 मार्च को यह पत्र लिखा था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की ओर से मंगलवार को इस पत्र को मीडिया के साथ साझा किया गया था। जनता ने इस पत्र में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इसे बीजेपी द्वारा लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी और केंद्र सरकार के इस दमनकारी शासन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का समय आ गया है। ममता ने पत्र में लिखा है कि मैं आग्रह करती हूं कि हम सभी एक बैठक के लिए एक साथ आए ताकि सभी की सुविधा और उपयुक्तता के अनुसार आगे के रास्ते पर विचार किया जा सके।